नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने सीखा था कैलकुलेट करना पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन। हमने जो पूरी पढ़ाई करी है वो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखा था। देन उस फॉर्मेट में बार बार जिक्र आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने का, सैलरी और कमीशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सवाल बनाने से पहले हमने क्या किया, हमने शुरू किया कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने शुरू किया कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमने सीखा कैसे आप सैलरी और कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। और अब हमें सीखना है, या अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सब लोग तैयार हो जाइए, नोटबुक ले लीजिए। अगर आपके पास टीएस अग्रवाल की बुक है तो वो बुक सामने रख लीजिए, बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले ही कह रखा है कि शुरुआत के क्वेश्चन में मैं पूरे क्वेश्चन को नोट करूंगा, बाद में मैं क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जरा तैयार हो जाइए नोटबुक और बुक लेके। आइए अब हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं अग्रवाल से, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 1,00,000 रुपए किया है, और बी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 60,000 की करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है वो है हमारा 6% पर एनम। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, बी को सैलरी मिलनी है 3,000 पर मंथ। और आगे इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट। ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है हमारा 80,000। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों सब लोग फटाफट, जिनके पास भी बुक नहीं है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें और फिर हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। आइए, हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप सबको ध्यान में होगा, नहीं भी है तो एक बार फिर से देख लें फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले हम जो ट्रांसफर करके लाते हैं वो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से फाइंड आउट होता है, उसको ट्रांसफर करके लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट। कितना हमारा नेट प्रॉफिट? वो गिवन है हमारा 80,000। ठीक है, हमें देना है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट? 6% पर एनम। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा, हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं, एक ए है
1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 6000। हम बात करते हैं बी की, 60000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 6% 3600, टोटल इंटरेस्ट जो है 9600 हमारे फर्म को देना है दोनों पार्टनर्स को, क्लियर है। इसके अलावा हमें और क्या देना है, हमें सैलरी देनी है, क्वेश्चन में गिवन है, और वो सैलरी देनी है सिर्फ किसे, बी को, और जो सैलरी है वो है 3000 पर मंथ। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल का बनाते हैं, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जो सैलरी देनी है बी को वो कितनी देनी है, 36000, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ना तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, ना ही कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का तरीका मैंने बता रखा है कि आप दोनों साइड का टोटल कीजिए, यदि आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपको इन टोटल में लॉस हुआ है, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इन टोटल में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहां पे मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 80000, ठीक है दोस्तों। अब जरा इसकी बैलेंसिंग करके फाइंड आउट कीजिए कि हमें इन टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जरा सब लोग फटाफट कैलकुलेट करेंगे कितने का प्रॉफिट हमें हो रहा है। सब लोग करेंगे कैलकुलेशन, खुद से करना चाहिए, कोई कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सब लोग कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं करने का कैलकुलेशन। देखिए इन टोटल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 34,400 का, ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर कहां से आया है, दिस माइनस सम ऑफ दिस। तो इन टोटल जो ये प्रॉफिट हो रहा है ये किसका हक है इस प्रॉफिट पे, पार्टनर्स का, और पार्टनर्स कौन है हमारे, ए और बी। अच्छा क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था क्या, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था। हमने रूल पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट में कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट बढ़ता है वो हमेशा इक्वली बढ़ता है, तो इस 34,400 को हम दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 17,200। ये क्या था हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था, और यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो हमेशा हमें जो प्रॉफिट पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। चलिए सब लोग जरा फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, सब लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे गौर से, जैसे पिछले क्वेश्चन पे हमने गौर किया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन कह रहा है, डीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ
2:2:1, ठीक है, ये 2:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते, ठीक है। आगे कह रहा है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर, कैपिटल जो है एक्स का है 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कह रहा है आपको कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको देना है 10% पर एनम एंड जेड शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। इसके अलावा आपको सैलरी देनी है किसे, सिर्फ जेड को, कितना 2,000 पर मंथ, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी, कितने का प्रॉफिट है 4 लाख का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन को जरा गौर से कीजिएगा, देखिएगा, हमने जो ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वो इस बी की सैलरी के देने के बाद जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया था या इस प्रॉफिट में से हमने ये बी की सैलरी दी थी, प्रॉफिट में से बी की सैलरी दी थी, यानी कि प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेना होता है वो प्रॉफिट लेना होता है जो किसी भी एक्सपेंस से पहले का प्रॉफिट हो। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जेड के सैलरी के बाद ये प्रॉफिट है, इसका मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा, वो इस 4 लाख में हम जेड की जो भी सैलरी है वो प्लस कर देंगे तो आएगा, क्लियर है। चलिए शुरू करें, आइए आप सब लोग भी मेरे साथ शुरू करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। फटाफट सब लोग फॉर्मेट कीजिए, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हमारे नेट प्रॉफिट को, बट वो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किसी भी एक्सपेंस से पहले का हो। हमारा प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपए का, बट ये जेड की सैलरी के बाद का है, ये कब का है, जेड की सैलरी के बाद का है, और जेड की सैलरी है 2,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि साल भर का हो गया ये 24,000, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा नेट प्रॉफिट भी 4 लाख रुपए नहीं होगा, हमारा नेट प्रॉफिट भी होगा 4,24,000 रुपए, क्योंकि हमें जो नेट प्रॉफिट लेना होता है वो बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंसेस लेना होता है, ठीक है। अब हमें एक और चीज देने की एक्सपेंस में, हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, इंटरेस्ट का रेट जो है
वो है 10%। मैं डायरेक्ट अमाउंट यहां लिख दे रहा हूं। एक्स का कैपिटल था 5 लाख रुपए, 10% होगा 50,000 रुपए। वाई का कैपिटल भी 5 लाख था, तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 50,000 रुपए। और जेड का जो कैपिटल था वो 2.5 लाख रुपए था, तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 25,000 रुपए। यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है वो कितना देना है, 1,25,000। ठीक है दोस्तों, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं थी, कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की बात नहीं थी, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लें। यहां भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब इन टोटल हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये आइए निकालते हैं। सब लोग कैलकुलेट कीजिएगा अपना अपना, कोई कैलकुलेटर यूज ना करें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी आदत ना बन जाए कैलकुलेटर यूज करने की, क्योंकि पेपर में आपको सारे कैलकुलेशन खुद करने होते हैं। सब लोग कीजिए फटाफट, अभी कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगा, पेपर में आपको जो टाइम की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। सब लोग कीजिए खुद से, आइए मेरे ख्याल से जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,75,000। इस 2,75,000 के प्रॉफिट को, ये कहां से आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर है, हमें किनके बीच बांटना है, पार्टनर्स के बीच, और किस रेशियो में, ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है एक्स वाई और जेड के बीच, ये ट्रांसफर होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में 2:2:1। ध्यान दीजिएगा क्या था, 2:2:1। तो आइए हम इसे बांटते हैं 2:2:1 में। मेरे ख्याल से x को मिल रहा है 1,10,000 रुपए, y को मिल रहा है 1,10,000 रुपए, और z को मिलेगा 55,000 रुपए। ये हमने क्या किया, इस 2,75,000 के प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन था, लास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमने इक्वली किया था। जहां गिवन हो वहां जो भी रेशियो गिवन हो उस रेशियो में आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब लोग फटाफट देख लें इस क्वेश्चन को, जिन्हें कॉपी करना है कॉपी कर लें। चलिए दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार आपके सामने रख दूं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जो कि अपने प्रॉफिट को बांटते हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है वो कितना देना है, 5% पर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि y इज अलॉट एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000।
साथ ही आपको सैलरी देना है, दोनों को नहीं सिर्फ वाई को, और कितना 6000 एनुअल सैलरी है, मतलब पर एनम की बात हो रही है, मंथली की बात, ठीक है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग 2011-12 द प्रॉफिट फॉर द ईयर, गौर से देखिएगा प्रॉफिट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट कह रहा है फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 24,000, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, आगे क्या है क्वेश्चन में, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, साथ ही आपको मैनेजर का कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, एक बार आप लोग कॉपी करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबने कॉपी कर ली, देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 80,000-60,000 और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको कैपिटल के ऊपर 5% पर एनम, सैलरी देना है सिर्फ वाई को 6000 पर एनम, प्रॉफिट जो गिवन है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है जो प्रॉफिट हमें लेना होता है, जो नेट प्रॉफिट हमें लेना होता है वो लेना होता है बिफोर एनी एक्सपेंसेस ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किसी भी एक्सपेंस से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो लेना होता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी जो ये नेट प्रॉफिट गिवन है 24,000 की, ये सैलरी के बाद गिवन है, मतलब हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो लेना होगा वो इसमें क्या प्लस करना होगा, सैलरी के अमाउंट को प्लस कर देना होगा, यानी कि हमारे लिए जो नेट प्रॉफिट होगा वो 24,000 जो गिवन है वो प्लस जो सैलरी है वाई की 6,000 वो मिलके 30,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन यहां क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि कह रहा है कि आपको मैनेजर को कमीशन देना था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। दोस्तों जब मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था कि जब भी आप नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो उस नेट प्रॉफिट को लाओगे जो कि हो बिफोर एनी एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किसी खर्चे से पहले का हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे के बाद का हो, और ये मैनेजर कमीशन जो है, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से वो बातें आती हैं जिनका संबंध पार्टनरशिप से हो, इस मैनेजर कमीशन का किसी पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्ट होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डिडक्ट नहीं किया गया है तो
प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले आप इस अमाउंट को भी एडजस्ट कर लें, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं कैसे हम इसे प्रेजेंट करेंगे। फॉर्मेट कीजिए फटाफट सब लोग। सबसे पहले जो मुद्दे की बात आ गई वो आई कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन सा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाएंगे, तो मैंने अभी बताया कि 24,000 तो हमारा गिवन है, आफ्टर सैलरी गिवन है, इसलिए इस सैलरी को प्लस कर दीजिए। लेकिन इसमें से अभी हमारा 5% का मैनेजर कमीशन जाना बाकी है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इस अमाउंट का सिर्फ 95% ही होगा, क्योंकि 5% का भी आपको क्या देना है इसमें से, मुझे अभी इसमें से डिडक्ट करना है 5% का मैनेजर कमीशन, मतलब इस टोटल अमाउंट का जो मैं कैरी करूंगा वो सिर्फ 95% ही कैरी करूंगा, कहां पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये बात सबके समझ में आ गई, तो जरा फटाफट आप सब लोग कैलकुलेट कीजिए 30,000 का 95% $28,500, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब मुझे इसमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है हमारा, दो पार्टनर है हमारे, एक्स एक पार्टनर है, वाई एक पार्टनर है। एक्स का कैपिटल था 80,000 रुपीज, वाई का कैपिटल था 60,000 रुपीज, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था वो 5% देना था, तो 80,000 का 5% एक्स को और 60,000 का 5% वाई को, 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देंगे, 3,000 का वाई को देंगे। देखिए इसे लिखना तो वैसे अंदर चाहिए लेकिन जगह नहीं था इसलिए मैंने बाहर ही दोनों का लिख दिया। वैसे आप क्या किया करो, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिखो और टोटल बाहर कॉलम। इसके अलावा मुझे सैलरी देनी है और वो सैलरी सिर्फ किसे देनी थी, वाई को, और वो एनुअल का अमाउंट गिवन है 6,000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बैलेंसिंग करते हैं। मेरे ख्याल से अभी इस क्वेश्चन में भी हमारा क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, मतलब इन टोटल भी हमें क्या होने जा रहा है, प्रॉफिट ही होने जा रहा है। जरा निकालिए सब लोग कैलकुलेट करके कितने अमाउंट का प्रॉफिट है, टाइम दे रहा हूं सबको मैं। मेरे ख्याल से प्रॉफिट है हमारा इस क्वेश्चन में वो आ रहा है हमारा 15,500। इस 15,500 के प्रॉफिट में किसका हक है, पार्टनर्स का। हम ट्रांसफर करेंगे इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स है हमारा एक्स और वाई, और किस रेशियो में बढ़ता है ये प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट दोस्तों बढ़ता है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो 15,500 रुपए को आप 3:2 में बांटिए। जरा मेरे ख्याल से एक पार्टनर का बनेगा 9,300 रुपीज और दूसरे का बनेगा 6,200 रुपीज। ये हमने क्या किया है, हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। गिवन नहीं होता है तो हम इक्वली करते हैं,
गिवन है, तो जो भी गिवन है रेशियो उस रेशियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बात मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जब भी कभी किसी भी टॉपिक को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देख रहे हो, तो उस चैप्टर के सारे वीडियो को समझ देखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार वीडियो में मैं उन बातों का जिक्र करता हूं जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। जैसे अभी इस फॉर्मेट की बात थी, यह फॉर्मेट मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा आपकी सहूलियत के लिए, जब भी वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे उनका लिंक डाल दिया करूंगा, ताकि आपको आसानी हो किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को कोरिलेट करने में। दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को पूछिए, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।